उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में गाय चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल पूरा मामला जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कुछ लोग गाय पर धारदार हथियार से हमला कर रहे थे। मेरा नाम दीपांकर गुप्ता, बजरंग दल से जिला साहेबल उपासना प्रमुख हूं। जो हमारा कन्हैया यादव खेत से पानी लगाकर आ रहा था, ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है, वहाँ पर जो कुछ दो लोग तीन लोग मुसलमान थे, वो गाय के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहे थे और कन्हैया ने देखते ही उनको चिल्लाया, पहले तो रोका और उसके ऊपर भी हमला हुआ, उसी कुल्हाड़ी से हमला किया, उसको भी मारा। गाय पर हमला होते देख वहां से गुजर रहे बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने गाय पर हमला करने वालों का विरोध किया, तो उन लोगों ने उस कार्यकर्ता पर भी हमला करने की कोशिश की। जैसे तैसे वह कार्यकर्ता थाने पहुंचा और वहां पुलिस को इस पूरे मामले से अवगत कराया। गाय पर हुए हमले से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश था। हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और SP जालौन ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। कि कुछ मुसलमान लोग गाय को कुल्हाड़ी मार रहे होंगे, तो यहाँ पर एक हिंदू लड़का था, जो अभी हमको बाद में पता चला कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता भी था, तो उसने उसका विरोध किया होगा, तो उसके साथ मारपीट की गई। जब मारपीट की गई तो उसने रात को थाने में जाके पूरी घटना लिखित में एप्लीकेशन दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या पुलिस आई उनको पुलिस को मिले नहीं बोलो। तो कंप्लेन करने की वजह से मुसलमानों ने सवेरे इकट्ठा होकर फिर दोबारा उस लड़के को, उस लड़के की माता को और उसके पिता को, पूरे परिवार को दोबारा मारा। इस वजह से कि तुम कंप्लेन करने क्यों गए, और बोले अभी तो मार रहे हैं, अगर दोबारा अपनी कंप्लेन वापस नहीं ली और यहाँ पर जो गाय काटी जाती हैं और जो हम लोग काम करते हैं, अगर ये बताया तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को हम जान से मार देंगे। इसलिए जब ये सूचना हम लोगों को मिली तो हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं। वहीं गाय पर हमला करने वाले हमलावर फिलहाल फरार हैं। CO देवेंद्र कुमार ने बताया फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, जो भी आरोपी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये गाय चरने को लेके, खेत में गाय चरने को लेके दो पक्षों में विवाद हुआ था, विवाद के बाद मारपिटाई हुई है। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है तुरंत अभियोग पंजीकृत मैंने करवाया है, उसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। सभी साइबर सर्विलांस और अपना लोकल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं और अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी अभियुक्त कोई पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया? अभी कोई नहीं पकड़ा गया, लेकिन हमने टीमें गठित कर दी हैं, तुरंत गिरफ्तारी करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे।